नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। घोसी विधानसभा उपचुनाव कल 5 सितंबर को होना है। चुनाव को लेकर सपा के शिवपाल यादव की बहुत सी शिकायतें हैं और उनको ये डर सता रहा है कि वोटरों को धमकाया जा रहा है। अरे यार, हमको दबा रहे हो, मेरे पीछे तभी तो और बेईमानी से चुनाव जीते। तो देखिए, हम लोग इसलिए आए हैं, कहीं पर भी अगर समाजवादी पार्टी के लोगों का इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो हम परेशान नहीं होने देंगे। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ पर हैं, और जो भी वोट को न रोका जाए तो वही कंप्लेंट करने आए हैं, निष्पक्ष चुनाव हो। डिप्टी सीएम तो आरोप लगा रहे हैं ब्रिटिश पाठक की सपा प्रत्याशी पैसा बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं, आलोक आयोग में शिकायत दे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यही तो झूठे लोग हैं, खुद ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो मंत्री, यहाँ 40 मंत्री जो घूम घूम कर, और ख़ासकर दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यही काम किया है, घोसी से लेकर मऊ से लेकर के होटलों में बैठ कर के आजमगढ़ तक यहाँ पर जो पैसा बुला बुला करके पैसा भी बांटा है, पाठक जी ने पैसा भी बांटा है, और पैसे के साथ साथ कोठा डीलर, प्रधान, सभासद, इन लोगों को बुला बुला करके धमकाया भी है।